अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से आप? अच्छा, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से लोगों को इसमें जो है वो कन्फ्यूजन रहती हैं और ये पिक्चर उनके सामने क्लियर नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है पिक्चर क्लियर हो सके और आज डिटेल में इसको डिस्कस करें। बेसिकली टॉपिक है टैक्स स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, टैक्स मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा है, कौन सी मेथडोलॉजी चल रही है, किस तरह का जो है वो मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब हमारे पास तीन रिजीम्स हैं टैक्स की। एक FTR जिसको फाइनल टैक्स रिजीम कहते हैं, एक NTR जिसको नॉर्मल टैक्स रिजीम कहते हैं, एक MTR जिसको मिनिमम टैक्स रिजीम कहते हैं। अच्छा, अगर मैं पहले आपको एग्जांपल दूं ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हों, जो टैक्स का मैकेनिज्म है वो होता है ऐसे। पहले आप टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एडवांस टैक्स आप एडजस्ट करवाते हैं, उसके बाद आप टैक्स पेबल या फिर रिफंडेबल फाइनली कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, टोटल इनकम डिफरेंट चीज़ है, टैक्सेबल इनकम डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल इनकम के ऊपर कैलकुलेट होती है, फिर जो आपने एडवांस टैक्सेस पेड किए होते हैं उसको अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करवाते हैं और नेट फिगर या तो पेबल की आती है या रिफंडेबल की आती है। ये टोटल हमारा ईयर एंड के ऊपर ये टैक्स मैकेनिज्म है जो कि हम फॉलो करते हैं साल के एंड पर। अच्छा, अब होता ये है कि FBR वाले, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हम साल में, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर रहा हूँ, साल में इनकम है एक बंदे की, एक पर्सन की इनकम है इंडिविजुअल की, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि 50 लाख रुपए, और साल के एंड में FBR ने उसको बोला बंदे को कि भाई आपकी 50 लाख इनकम है, आप साल के एंड में अपनी वर्किंग्स कीजिएगा, जो भी टैक्स पेबल आया उसके ऊपर आप टैक्स हमें दे दीजिएगा। लेट्स एज्यूम करते हैं कि हम लोग 5 लाख रुपये टैक्स पेबल आते हैं, तो 50 लाख की इनकम के ऊपर एंड की डेट में टैक्स ईयर में 5 लाख रुपये उसका उसको देने के लिए जो है वो नहीं दे पाएगा, वो एक साथ इतना टैक्स पे नहीं कर पाएगा। और आपको पता है कि हम लोग वैसे ही मतलब हम लोग क्या, ये इंस्टॉलमेंट उन्होंने बना दी कि एकदम बर्डन ना पड़े, बोझ ना पड़े, तो उसके डिफरेंट जो है वो मोड्स बना दिए कि किस तरह से हमें टैक्स कलेक्ट करना है, बजाय इसके कि साल के एंड में हम पैसे कलेक्ट करें और वो भी ऑब्वियसली सी बात है इकट्ठे एक साथ पैसे देते हुए लोगों को ऑब्वियसली सी बात है कि परेशानी होती है। तो उन्होंने क्या किया कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ टैक्सेस को जो है वो डिडक्शंस जो हैं और कलेक्शन जो हैं उसकी बेस के ऊपर डिडक्ट और कलेक्ट करना शुरू कर लिया। अच्छा, अब उस बहस में मैं अभी नहीं जा रहा कि हमें इनकम टैक्स की कलेक्शन और डिडक्शंस वो किस तरह से हम पे लागू होती हैं और किस तरह से हम साल भर टैक्स देते रहते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, कि किस तरह से इनकम टैक्स या FBR हमें हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स का मतलब है इनकम के ऊपर टैक्स। ठीक है, बट जिस बंदे की इनकम नहीं है FBR उससे भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है, मैं आगे मोड्स ऑफ इनकम टैक्स जब डिस्कस करूंगा इस वीडियो के बाद तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मेरा टॉपिक है टैक्स रिजीम्स, तो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट में आपको ओवरव्यू देने के लिए ताकि आपके माइंड में कुछ पिक्चर क्रिएट हो जाए इस हवाले से, ताकि आपको ये रिजीम समझ में आ जाए। अच्छा, जो टैक्स में इन्वॉल्व है ऑलरेडी उनको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि रिजीम्स क्या होते हैं, अदरवाइज मैंने कोशिश की है कि अगर एक मैपिंग कर लूँ स्टार्ट में ताकि रिजीम्स आपकी आपको समझ में आ जाए क्या है। फिर इंशाल्लाह फर्दर जो है वो जब मोड्स ऑफ इनकम टैक्स कलेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको टोटली मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा FBR का, टैक्स स्ट्रक्चर जो है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले FTR, FTR फाइनल टैक्स रिजीम की। ये क्या होता है?
अच्छा, इसमें होता ही है कि जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे डिडक्ट हो गया वो आपका फुल एंड फाइनल टैक्स हुआ। फॉर एग्जांपल, डिडक्शन एट सोर्स पर टैक्स क्या डिडक्ट होता है? एग्जाम्पल, अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स करते हैं तो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है आपका, वो फाइनल टैक्स हो गया। टैक्स ऑन डिविडेंड, अगर आपने अपनी किसी कंपनी से जो है वो शेयर्स बाई किए हैं तो वो जब आपको डिविडेंड की पेमेंट करती है तो वो आपको टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करती है। तो जब आप साल के एंड में जाएंगे तो अपनी डिविडेंड इनकम दिखाएंगे तो FBR कहेगा, भाई ना हम आपसे टैक्स लेंगे ना आप हमें टैक्स दें, डिविडेंड पे जो टैक्स कट गया वो आपका फाइनल टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, फाइनल टैक्स में फिर डिटेल में होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं होती, उसको जब हम मैकेनिज्म में जाएंगे आगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये टैक्स नॉन एडजस्टेबल होता है। एडवांस टैक्स जो आपने डिडक्ट करवाया है ड्यूरिंग द ईयर वो नॉन एडजस्टेबल, एडजस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड के ऊपर एक आपने जो टैक्स डिडक्ट करवाया है वो आपका एडवांस टैक्स है ड्यूरिंग द पीरियड, बट इन द एंड जब आप ईयर एंड में जाते हैं तो वो आप जब ये बोलते हैं FBR को कि भाई हमारा डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो FBR कहता है भाई ठीक है, जो डिडक्ट हो गया वो फाइनल फुल एंड फाइनल है, कोई एडजस्टमेंट आप इसकी नहीं कर सकते फर्दर अगर आपकी हुई इस तरह से। अच्छा, उसके बाद FTR में कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। ठीक है, FBR कहता है भाई जो आपका डिडक्शन एट सोर्स पर टैक्स डिडक्ट हो गया वही फुल एंड फाइनल टैक्स है, मुझे आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चाहिए, तो इस वजह से कोई खर्चा भी अलाउ नहीं करेगा, कोई रिबेट रिबेट कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होगी। किस तरह से? अगर क्रेडिट्स की बात करें, टैक्स क्रेडिट्स की बात करें, कोई इस तरह की एडजस्टमेंट्स की बात करें, तो उसमें कोई रिबेट या कुछ ज़कात डिडक्शन इस तरह की कुछ भी आपको अलाउ नहीं होगा, ना एक्सपेंस ना रिबेट अलाउ होगी। अच्छा, नॉन रिफंडेबल होता है, ऑब्वियसली सी बात है इसका रिफंड नहीं होता, और फुल एंड फाइनल होता है। ठीक है, फुल एंड फाइनल टैक्स होता है। अच्छा, एक बार ओवरव्यू देता हूँ। डिडक्शन एट सोर्स पे जो टैक्स कट गया वो आपका फाइनल टैक्स है। अगर आप FTR इनकम में FTR रेजिम में फॉल करते हैं तो इसमें ना आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए होते हैं, ना आपको कोई एक्सपेंस अलाउ होता है, ना आपको कोई रिबेट अलाउ होता है, ना आपका कोई टैक्स अगर एक्सेस आए तो रिफंडेबल होता है। ठीक है, तो ये एक जो है वो सिनेरियो FTR का। उसके बाद आ रहा है NTR का। NTR क्या होता है? अच्छा, NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम होता है जो कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप नॉर्मली अगर इंडिविजुअल AOP की बात करें तो अपना टैक्स स्लैब लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडवांस टैक्स जो आप पेमेंट करते हैं वो एडजस्टेबल होता है, बट उसकी भी रिस्पेक्टिव जो है वो जो आप ये कह लें कि उसकी रिस्पेक्टिव जो है वो सेक्शन है जिसके ऊपर एडजस्टेबल है जो भी। ठीक है। अच्छा, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक्सपेंसेस में अलाउ होता है, ऑब्वियसली सी बात, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो है वो अलाउ है, वो जब हम फाइनल कंप्यूटेशन की तरफ जाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। रिबेट आपको अलाउ है, डोनेशंस आपने किए हैं अगर अप्रूव जो है वो इंस्टीट्यूशंस को या आपको इस तरह से टैक्स क्रेडिट डोनेशन वगैरह वो सब आपको डिडक्टेबल अलाउंस वो आपको अलाउ है। रिफंडेबल अगर एक्सेस टैक्स आ गया, आपने एडवांस टैक्स फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि 50 लाख 1 लाख रुपए पे किया है और आपका जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है वो 80,000 रुपये आ रही है, तो 20,000 रुपये आपको रिफंडेबल भी इस NTR रेजिम में आ सकता है। अच्छा, उसके बाद नॉट फुल एंड फाइनल, ऑब्वियसली सी बात है कि जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पर आपने डिडक्ट करवाया वो फुल एंड फाइनल नहीं होगा, वो आप एडजस्ट करके अपनी लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे और प्लस और माइनस वो अगर ज़्यादा आपने पे कर दिया तो आप रिफंड क्लेम कर लेंगे, अगर आपने कम पे किया तो आप लाइबिलिटी को मज़ीद FBR को पेमेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी का टैक्स एडजस्टेबल है, यूटिलिटीज़ के ऊपर जो टैक्स हम पेमेंट करते हैं वो एडजस्टेबल है। ठीक है। अच्छा, किस तरह से कैलकुलेशन है क्या है वो सब डिटेल में जब डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन तो उस वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अभी मेरा यहाँ पर जो इस वीडियो में जो आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करना है, आपकी माइंड में मैपिंग करना है कि आपको ये इतना नॉलेज में आपके माइंड में ये इमेज क्रिएट हो जाए कि रिजीम्स किस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं और मेथोडोलॉजी क्या है कलेक्शन की, टैक्स की। अच्छा, कलेक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, कंप्यूटेशंस क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक रिजीम हमारे पास है MTR। जब आप विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड देखते हैं तो उसमें एक टैक्सेशन का स्टेटस होता है राइट साइड के ऊपर,
तो आप ये देख रहे होते हैं कि ये टैक्स एनटीआर है, इसको एनटीआर को एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं। बेसिकली वहाँ पे ये एडजस्टेबल के नाम से होगा, एमटीआर वहाँ मिनिमम टैक्स के नाम से होगा और एक वहाँ फाइनल टैक्स के नाम से एफटीआर होगा, ठीक है। तो ये आपको विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड में टैक्सेशन स्टेटस में नज़र आ जाएगा। तो वो सेक्शन के आगे उनका पर्टिकुलर स्टेटस भी लिखा होगा कि ये एडजस्टेबल है, ये फाइनल है या फिर ये मिनिमम टैक्स है। अच्छा, मिनिमम टैक्स क्या होता है? मिनिमम टैक्स बेसिकली होता ही है, मिनिमम टैक्स का मैकेनिज्म भी ये सेम है, बट इसमें एक डिफरेंस ही होता है। अच्छा, ये नॉर्मल टैक्स है बट रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। अब किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा बताऊंगा। एडजस्टेबल एडवांस टैक्स जो आपने डिडक्ट करवाया, ऑब्वियसली सी बात है, इस केस में भी एडजस्टेबल है। एक्सपेंस इस केस में भी अलाउड है, रिबेट इस केस में भी अलाउड है। अच्छा, एक चीज़ है, ये रिफंडेबल नहीं है। अब ये रिफंडेबल कैसे नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट करवाया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये, साल के ईयर में आपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की और उस केस में आपकी लाइबिलिटी आई 90,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर आप एनटीआर में फॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि 1 लाख लाइबिलिटी आप डिडक्शन आपने करवाई, 90,000 रुपये आपकी लाइबिलिटी, 10,000 आपको रिफंड हो जाएगा। बट इस केस में अगर आप एमटीआर में फॉल कर रहे हैं तो 90,000 आपकी, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये आपने डिडक्ट करवाया, 90,000 आपकी लाइबिलिटी है, तो एफबीआर कहेगा बस ठीक है, हमने आपको कोई रिफंड नहीं करना, आपकी लाइबिलिटी भले 90,000 रुपये लेकिन आपने 1 लाख पे किया, वो आपका मिनिमम टैक्स है, हम आपको कोई रिफंड नहीं देंगे, ना आप रिफंड कर सकते हैं। इस केस में लाइबिलिटी या तो जीरो आती है, ठीक है, या फिर आपका पेबल आता है, रिफंडेबल नहीं आता, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, और फॉर एग्जांपल एफबीआर कहता है कि अगर यहाँ उसने थोड़ी सी एफबीआर ने चला की एफबीआर ने कभी अगर आपका 1 लाख रुपये टैक्स आपने ड्यूरिंग द डिडक्ट करवाया और अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1,20,000 रुपये आ रही है, तो आप एक काम करें, 20 लाख रुपये हमें, 20,000 रुपये हमें मजीद जमा करा दी, ठीक है। अच्छा, तो पता ही ये चला कि इस केस में रिफंडेबल नहीं है, इस केस में पेबल है या लाइबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, एक बार मैं दोबारा से तीनों स्ट्रक्चर जो रिजीम्स हैं उनका ओवरव्यू समराइज करके देना चाहूँगा ताकि जो कन्फ्यूजन है वो आपके माइंड से दूर हो जाए, और फर्दर अगर आपको कोई मजीद कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। अच्छा, समराइज अगर मैं करूँ, एफटीआर में क्या होता है? एफटीआर में डिडक्शन एट सोर्स पे जो टैक्स डिडक्ट होता है वो हमारी फुल फाइनल लाइबिलिटी होती है, टैक्स नॉन एडजस्टेबल होता है, एक्सपेंस अलाउ नहीं होते, रिबेट अलाउ नहीं होती, रिफंडेबल नहीं होता और फुल एंड फाइनल टैक्सेशन होती है, ठीक है, इस केस में। अच्छा, एडवांस टैक्स क्या है, डिडक्शन एट सोर्स, कलेक्शन के ऊपर वो टैक्स क्या है, वो डिटेल में हम जब नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे कि मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, तो उस पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि हम पे किस तरह के टैक्स हम एफबीआर हमसे कलेक्ट कर रहा है, डिडक्ट कर रहा है या किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है, उस मैकेनिज्म को पूरा उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एनटीआर क्या होता है? एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम, इसमें नॉर्मल टैक्स जो कि एडजस्टेबल होता है, एडवांस टैक्स एडजस्टेबल है, एक्सपेंस इसमें अलाउ होते हैं, रिबेट इसमें अलाउ होता है, रिफंडेबल इसमें हो सकता है और ये फाइनल फुल एंड फाइनल टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स पे नहीं होता, आपको आगे जाके टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है अपनी, ठीक है। अच्छा, फिर आए एमटीआर पे, मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स में ये नॉर्मल टैक्स होता है बट विद लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एडजस्टेबल एडवांस टैक्स एडजस्टेबल होता है, एक्सपेंस अलाउ होते हैं, रिबेट अलाउ होती है, रिफंडेबल ये नहीं होता, नॉन रिफंडेबल है, और ये फुल फाइनल टैक्स नहीं होता क्योंकि इसमें भी एंड में जाके आप लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं अपनी, और अगर लाइबिलिटी आपके पास एक्सेस आ जाए, आपने टैक्स डिडक्ट कम करवाया, लाइबिलिटी ज़्यादा आ गई तो आप पे कर देंगे, बट अगर आपने टैक्स ज़्यादा ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट करवा लिया और लाइबिलिटी आपकी ईयर एंड में कम आई तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, आप जीरो कर देंगे लाइबिलिटी को, आप मजीद रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, मजीद क्या, आप रिफंड ही क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये टैक्स स्ट्रक्चर का पूरा मैकेनिज्म था। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो है वो मैंने कोशिश की मैं आपको इसकी जो है वो टैक्स रिजीम्स की इमेज जो है वो क्लियर कर सकूँ, कर पाऊँ, क्योंकि बहुत से लोगों को इस रिजीम्स को लेते हुए कन्फ्यूजन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो यकीनन समझ में आया होगा। मज़ीद अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर एक मोड्स ऑफ इनकम टैक्स कलेक्शन के, इनकम टैक्स में जो एफबीआर का इदारा है वो हमसे टैक्स किस तरह से कलेक्ट कर रहा है, एडवांस टैक्स क्या होता है, कलेक्शन और डिडक्शन क्या होती है, एट सोर्स क्या होता है,
उसको डिटेल में विदोलन टैक्स कार्ड को और मोड्स ऑफ इनकम टैक्स कलेक्शन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मजीद दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।